Good morning children, welcome to mathematics class. Children, we are doing the chapter shapes and designs and today's topic is 10 gram. What is a 10 gram? A 10 gram is a puzzle made up of 7 pieces, a parallelogram, a square and 5 triangles. 10 ग्राम क्या होता है? तो 10 ग्राम एक पज़ल है और ये एक स्क्वायर शेप का होता है और इस स्क्वायर शेप के अंदर क्या क्या होते हैं? एक पैरेललोग्राम होता है, एक स्क्वायर होता है और 5 ट्रायंगल होते हैं. आइए देखते हैं. ये देखिए, यहाँ पर 5 ट्रायंगल्स है. ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पर ये 5 ट्रायंगल है, 1 स्क्वायर है. सो ये एक स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है, ठीक है. और 1 पैरेललोग्राम, तो ये एक पैरेललोग्राम है, ये वाला पार्ट, ठीक है. तो आपको समझ में आ गई होगी 10 ग्राम क्या होता है. 10 ग्राम स्क्वायर शेप का एक पज़ल होता है जिसके अंदर क्या क्या होते हैं? 5 ट्रायंगल्स, 1 स्क्वायर एंड 1 पैरेललोग्राम. नाउ ट्रायंगल क्या होता है? व्हाट इज अ ट्रायंगल? यू नो दैट इट इज अ क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स. इट हैज 3 एजेस एंड 3 कॉर्नर्स. ठीक है, ये क्लोज्ड फिगर है. क्लोज्ड फिगर मतलब ये चारों तरफ से बंद है, क्लोज्ड फिगर है. और इसके क्या हैं? 3 साइड्स हैं. 3 साइड्स है ये 1, 2, 3 साइड्स. इट हैज़ 3 एजेस एंड 3 कॉर्नर्स. सो इसके कितने कॉर्नर्स है? 3 कॉर्नर, 1, 2 एंड 3. 3 कॉर्नर्स. और एजेस, एजेस किसको बोलते हैं? जो ये साइड साइड्स में ये जो लाइन होते हैं ये इनके एजेस होते हैं, है ना. तो ये 1, 2 और ये 3. तो यहाँ पर 3 एजेस हैं. एजेस को हम साइड भी बोल सकते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट है स्क्वायर. इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर विथ 4 इक्वल साइड्स. ये भी चारों तरफ से बंद है, ये क्लोज्ड फिगर है. देखिए 1, 2, 3, 4. तो इसके 4 साइड्स हैं और ये चारों तरफ से ये बंद है, ये क्लोज्ड है, ठीक है. इसलिए इसको क्लोज्ड फिगर बोलते हैं. इट हैज़ 4 एजेस एंड 4 कॉर्नर्स. सो यहाँ पे कॉर्नर कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4. 4 कॉर्नर्स. और एजेस कितने? एजेस आपको पता है, ये वाले एज हैं, ये जो इसके साइड्स हैं वही उनको एज बोलते हैं ना. तो 1, 2, 3 एंड 4. सो इट हैज़ 4 एजेस एंड 4 कॉर्नर्स. और इसके सारे साइड्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ पैरेललोग्राम. सो अ पैरेललोग्राम इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर विथ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल. इट हैज़ 4 एजेस एंड 4 कॉर्नर्स. पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? सो ये भी एक क्लोज्ड फिगर है. देखिए ये चारों तरफ से बंद है, ठीक है. और इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स किसे बोलते हैं? ये एक साइड है और इसके ऑपोजिट में कौन सा साइड है? ये नीचे वाला साइड है ना. फिर यहाँ पर एक साइड है ये वाला साइड और इसके ऑपोजिट में ये वाला साइड है. तो यहाँ पर जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है. इट हैज़ 4 एजेस. तो एजेस यहाँ पर साइड्स 1, 2, 3 एंड नीचे में 4 है. कॉर्नर्स कितने यहाँ पर? कॉर्नर्स भी यहाँ पर 1, 2, 3 एंड दिस वन 4. तो यहाँ पर 4 एजेस एंड 4 कॉर्नर्स है. आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. इट इज़ अ क्लोज फिगर विथ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल. पैरेलल किसको बोलते हैं, ठीक है. यहाँ पर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है.
ये लाइन एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेगी। देखो कैसे टच नहीं करेगी, ये ऐसे जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, सीधा जाती रहेगी, ये भी जाती रहती, एक दूसरे को टच नहीं कर रही है लोग, ठीक है। तो इनको हम पैरेलल बोलते हैं, जब को दो लाइन आपस में कभी भी टच ना करें तो इनको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं, ठीक है। आइए इसको और अच्छे समझते हैं। जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। इन दोनों लाइन को देखो, ये लाइन को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँ इधर और इसको अगर मैं बढ़ाऊँ तो ये यहाँ पर टच हो रहा है ना, यहाँ पर मिल गया ये दोनों लाइन, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। पैरेलल कब होता है, जब दोनों लाइन आपस में कभी भी ना मिले, ठीक है, तो इनको हम पैरेलल लाइन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी। और फिर मैंने बताया कि यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये ऑपोजिट है, ये अपोजिट साइड्स ये, और इसके ऑपोजिट में ये साइड है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये साइड है और ये साइड, तो ये दोनों साइड बराबर होंगे, ये वाला साइड इसके बराबर होगा और इसके साइड बराबर होगा, ठीक है। तो हाउ टू मेक ए टेनग्राम, टेनग्राम को कैसे बनाएंगे। टेनग्राम बनाने के लिए हम एक स्क्वायर शेप का पेपर लेंगे और इसको यहाँ पर जैसे दिया है इसको बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ, फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ, इस तरह से हम अच्छे से मेज़र करके लाइन को ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसे कट कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमें टेनग्राम बनाने के लिए स्क्वायर शेप का ही पेपर लेना है, फिर हम इसे कट कर लेंगे। ये रहा, मैंने कट कर लिया है, ये रहा मेरा ये टेनग्राम, इसको मैंने सीजर से कट कर लिया, तो ये मेरा टेनग्राम रेडी है। टेनग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करके अच्छे से काट देना है, कट करके अलग अलग पीसेस कर देना है। नेक्स्ट है, अब ये जो पीसेस हमारे पास आ गए हैं उससे हम डिफरेंट शेप्स या कोई भी कैरेक्टर को हम बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक बनाया है, ये एक बर्ड है ना, ये देखो यहाँ पर कितने ट्रायंगल यूज़ हुए हैं, यहाँ पर कितने ट्रायंगल यूज़ हुए, 1, 2, 3, 4, 5 ट्रायंगल्स, और ये पैरेललोग्राम है और ये स्क्वायर शेप है। तो इस तरह से हम टेनग्राम से डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। जैसे ये हाउस बनाया है मैंने, ठीक है, यहाँ पर ये एक रॉकेट बना है, आप एक रॉकेट बना सकते हैं, ठीक है। ये हाउस बनाया है ना टेनग्राम से, सो मैंने लिख दिया हाउस। फिर यहाँ पर ये क्या बना है, ये टेनग्राम से एक रॉकेट बनाया गया है, ये एक रॉकेट है, ठीक है। सिमिलरली ये एक हाउस बोट है, ये टेनग्राम से एक हाउस बोट बनाया है, ठीक है, हाउस बोट। सो इस तरह से हम और भी शेप बना सकते हैं। यहाँ पर एक टेनग्राम से एक कैट बनाया है, सारे पीसेस को अरेंज करके हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।